मोदी के आह्वान पर देशवासियों ने भले ही योग करना शुरू कर दिया हो, लेकिन हम आपको एक ऐसे शहर लिए चलते हैं जहां पर जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी पर योग किया जाता है। मिलिए खंडवा के इन जलवीरों से जो जल पर करते हैं तरह तरह के जल योग। वर्ष 2014 के बाद पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग क्रांति आज देखने को मिली है। तरह तरह के योग सिखाने वाले योग गुरु भी मार्केट में आए और इन योग गुरुओं को एक अच्छा मंच भी मिला। इस योग के कारण कोरोना जैसी बीमारियों को लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मात दी। लेकिन इन सब योगों से अलग हम आपको खंडवा लिए चलते हैं, जहां पर जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी पर योग किया जाता है। जल की सतहों पर तरह तरह के प्राणायाम कर खंडवा के लहरों के राजा ग्रुप द्वारा हर रोज सुबह जल योग कर लोग अपने आप को फिट रखते हैं। भोपाल के बड़े तालाब के क्रूज पर भी योग किया गया। एमपीटी के अधिकारियों ने शहरवासियों के साथ योगाभ्यास में हिस्सा लिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों ने योग किया। योग गुरु कृष्णकांत मिश्रा ने यात्रियों के साथ योग किया। इस दौरान यात्रियों को योग का महत्व बताया गया। इस कार्यक्रम में पधारे हैं हमारे साथ सतीश जी विश्वकर्मा, सवादनीय राजू अलेजा जी, दिलीप जी मारन, रोहित बाबूलाल जाधव, आदरणीय गणेश भैया और पूरी टीम का मैं पुनः हार्दिक अभिवादन करता हूँ। बहुत शानदार गनु करेंगे और धीरे धीरे बाजू में गिरना है। आखिरी दम तक हाथ नहीं गिरेंगे। चल जा सर, हाथ जोड़ते धीरे धीरे पानी मत, ज्यादा दूर मत जाओ फिर मत चला जाता। बस यहीं पे हल्दी मारो आसान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ा साइड होना, क्या बात है। बहुत बढ़िया बोलते हैं शवासन।